कल अंबानीज की शादी में ऐश्वर्या राय अकेली पहुंची। बच्चन परिवार भी शादी में मौजूद था, लेकिन रेड कार्पेट पर बच्चन परिवार के मेंबर्स यानी कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता, श्वेता के दोनों बच्चे, श्वेता के हस्बैंड और अभिषेक बच्चन सेपरेटली आए। ऐश्वर्या राय भी सेपरेटली आई अपनी बेटी आराध्या के साथ। जब लोगों ने ऐश्वर्या को अकेले आते देखा तो लोगों को महसूस हुआ कि चाहता तो बच्चन परिवार ऐश्वर्या को साथ ला सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐश्वर्या भी कम नहीं है। ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को इस अकेलेपन का वहीं रेड कार्पेट पर ही जवाब दे दिया। न सिर्फ ऐश्वर्या ने अकेले पैपराजी के सामने कॉन्फिडेंटली पोज किया, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी मजे से पिक्चर्स क्लिक करवाई और नहले पे दहला ऐश्वर्या राय ने तब दे दिया जब मौके पर पहुंचते ही ऐश्वर्या राय ने रेखा के साथ बात की और उनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताया। रेखा की और ऐश्वर्या की एक वीडियो सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी पसंद करती हैं, और तो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। जहां ऐश्वर्या ने रेखा को बहुत इज्जत दिखाई, वहीं रेखा ने भी ऐश्वर्या को सास वाला प्यार दिया और सास की कमी महसूस नहीं होने दी। सोशल मीडिया पर जिसने भी ऐश्वर्या और रेखा की ये वीडियो देखी, वो लोग बस यही कह रहे हैं कि इसे कहते हैं नहले पे दहला। ऐश्वर्या की सास जया ने चाहे उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई हो, लेकिन ऐश्वर्या ने भी रेखा के साथ फोटो खिंचवाई, जिससे ऐश्वर्या की सास जया सबसे ज्यादा नफरत करती है।